नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। प्रारंभिक टीम फ्लाई हाई की ओर से धनबाद कोर्ट परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व आशीष कुमार एवं अभिषेक रंजन कर रहे थे। कार्यक्रम करवाने की अनुमति बार एसोसिएशन धनबाद के प्रेसिडेंट राधेश्याम गोस्वामी एवं सेक्रेटरी देवी शरण सिन्हा ने दी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 27 के पार्षद कुमार अंकेश राज उर्फ पप्पू साव, मेयर प्रत्याशी और भी मौजूद रहे। स्वच्छता जो है हमारा अधिकार है, हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, और स्वच्छ रहना जो है हमें जरूरी है, क्योंकि इससे स्वस्थ रहेगा तभी हमारा देश जो है स्वस्थ रहेगा। और एक मैसेज देना चाह रहे हैं युवाओं के साथ कि घिरना, स्वच्छता के लिए घिरना नहीं करना है, और हमें जो है गली गली और अपना घर से शुरुआत करके गली गली शहर मोहल्ले चौक चौराहे तक सफाई का अभियान चलाना है। धनबाद जनता दल यूनाइटेड और नीतीश विचार मंच की ओर से प्रकार बांध स्थित जिला कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह सहित कई जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर केक काटा गया और जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को केक खिलाया गया। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री बनकर जिस तरह से बिहार का विकास किए हैं, उसी तरह देश का भी विकास नीतीश कुमार जी करें। हम लोग आज उनका जन्मदिन में भगवान से प्रार्थना करते हैं। शहर में भारतीय एकता सेर सेना के बैनर तले मंगलवार को लॉ कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कितने यूनिट की टारगेट? टारगेट कम से कम एक शुरुआत है, चाहेंगे कि लोग बढ़ चढ़ के आए, और कोशिश में है कि कम से कम 50 यूनिट ब्लड तो यहाँ से जाए, और एक अच्छा कार्य है। हम लोग चाहेंगे कि और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें इसमें। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, तो हम लोग अगर अपने शरीर का कुछ, अगर हम लोग का चाहे वो रक्त हो या कोई अपना पैसे से या किसी भी तरह से जो योगदान कर सकते हैं, तो हम लोग को समाज के लिए अवश्य करना चाहिए कि कोई भी जो है किसी को भी वो किसी भी चीज़ का कमी ना हो, चाहे वो खून हो या कभी कुछ ज़रूरत पड़े किसी को, इस सारा समाज के लिए हम लोग को करना चाहिए। ब्लड की कमी को देखते हुए ये हम लोग कॉलेज में हमारे सचिव महोदय के वार्ता से ये हुआ कि नहीं, यहाँ पे हम लोग कॉलेज में रक्तदान शिविर करेंगे, और यही आज का।